नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके बाद एक बार फिर हलचल मच गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एसीपी सारनाथ ने अपना बयान दिया है। बता दें कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे 25 मार्च को वाराणसी के सारनाथ में होटल सुमेद्र में मृत पाई गई थी, जिसके बाद अब आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में सिर्फ गले पर फंदे के इंजरी है। मामला अब और गहराता जा रहा है। हालांकि अभी विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एसीपी सारनाथ के अनुसार आकांक्षा दुबे के गले पर फंदे की इंजरी के अलावा पूरे शरीर में कहीं भी सिंगल इंजरी नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर चोट के निशान नहीं है। वहीं मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी के बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आकांक्षा दुबे की हत्या की सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, क्योंकि पहली नजर में सारनाथ पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। मृतिका आकांक्षा दुबे के चाचा द्वारा जो तहरीर थाना सरनाथ में दी गई थी, उस पर एफआईआर ना लिखकर थाने में दरोगा जी ने बोलकर तहरीर लिखवाई और उनके चाचा द्वारा बार बार हत्या किए जाने की बात कहे जाने पर भी आत्महत्या के मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। बता दें कि आकांक्षा की माँ पहले दिन से ही कह रही थी कि उनकी बेटी हत्या हुई है। आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे ने गायक समर सिंह और उनके भाई संजय पर गंभीर आरोप लगाए। मुंबई से सारनाथ थाना पहुंची मधु ने आरोप लगाया कि समर अक्सर आकांक्षा से मारपीट करता था, पैसे हड़प लेता था, उसे किसी और के साथ काम नहीं करने देता था। जब भी वो किसी और के साथ काम करती थी तो उसे प्रताड़ित करता था। रोते बिलखते हुए मधु ने आरोप लगाया कि बीते 21 मार्च को आकांक्षा बस्ती में शूटिंग कर रही थी, तब आकांक्षा के मोबाइल फोन पर संजय सिंह का फोन आया था, धमकाया गया था कि तुम्हारी हत्या करा देंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।